रोजे की हालत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी की खतरनाक बॉलिंग के बाद शानदार बैटिंग। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी ने छक्के चौके मारकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा दिया। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल देता हूं, तो आज की इस वीडियो को आपने कहीं भी स्किप नहीं करना। जैसा की आपको मालूम है की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग पर भी फोकस कर रहे हैं और अपनी बैटिंग में निखार ला रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी की ख्वाहिश है की वो अपने ससुर यानी कि शाहिद खान अफरीदी की तरफ बॉलिंग और उनकी तरफ बैटिंग करें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी ने कल काउंटी क्रिकेट में अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा दिया। फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी ने पहले बॉलिंग करवाते हुए पांच खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इसके साथ साथ शहीन शाह आफरीदी ने पांच खिलाड़ियों को आउट करके सिर्फ और सिर्फ 34 रन दिए। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी ने रोजे की हालत में इस तरह से बैटिंग की कि पूरी दुनिया हैरान होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी ने सिर्फ और सिर्फ 15 बॉलों का सामना किया और उसमें उन्होंने 27 रन बनाकर अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवा दिया। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शहीन शाह आफरीदी को अपनी बॉलिंग के साथ साथ अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि उनको बैटिंग पर फोकस करना चाहिए तो आपने कमेंट बार में लिखना है यस। अगर आपको लगता है कि नहीं, उनको सिर्फ बॉलिंग पर फोकस करना चाहिए तो आपने कमेंट बार में लिखना है नो। लेकिन आप सब ने कमेंट जरूर करना, मैं आप सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी और नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।